जम्मू कश्मीर का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो उसमें हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जा सकते हैं मेरे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा जैसे कि व्हेन डिड रणजीत देव असेंड द थ्रोन ऑफ जम्मू, जम्मू की गद्दी पर रणजीत देव दोस्तों कब बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है कि वो कब बैठे। तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन हैं जो आपके, इनमें से एक आंसर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड होगा, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ आंसर दे दिया होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 1733। तो चलिए हम लोग जो इसके आंसर को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे आंसर के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रणजीत जो देव जो इन्होंने 1733 में गद्दी पे बैठे ये, और 1782 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने टोटल 22 हिल्स रीजन को दोस्तों ऑक्यूपाई किया था, और इनका अंपायर जो वो पंजाब तक फैला हुआ था दोस्तों, आप देख सकते हैं वेस्ट में वो शिवालिक तक गया हुआ था दोस्तों ईस्ट में। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश, जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर कौन से साल में दोस्तों बनाया गया। देखिए मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपका जो पहला लेजिस्लेचर दोस्तों वो आप देख सकते हैं 1934 में बनाया गया। तो चलिए हम लोग जो है इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर का, जिसका नाम था दोस्तों प्रजा सभा, और ये स्टैब्लिश किया गया था महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे 1934 में। इसके टोटल 33 इलेक्टेड मेंबर थे, 30 नॉमिनेटेड मेंबर थे, और 12 इसमें एक्सो ऑफिशियल्स मेंबरान थे दोस्तों। तो ये इसका पूरा आप देख सकते हैं बायोडाटा आपके सामने पड़ा कि प्रजा सभा कब बनी, कितनी बनी, कितने कितने से मेंबरान थे, और कौन से महाराजा के टाइम दोस्तों यहाँ पे ये प्रजा सभा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है थर्ड, ये कुछ मैच ऑफ फॉलोइंग से मैच करना आपने। तो आप देख सकते हैं जैसे डोगरा डायनेस्टी को बनाने वाला राजा कौन सा था, तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर दारुल इस्लाम किसने लाया, मियां दीदू जो है इन्होंने क्या बनाया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनमें से आपने मैच करना है आगे, तो सीधे ही मैं आप लोगों को इसमें से आंसर बता देता हूँ। जैसे आपकी डोगरा डायनेस्टी है, तो डोगरा डायनेस्टी जो है ये महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई थी। अब अगर हम मियां जो आपका दीदू हैं इनको क्या किया गया था दोस्तों, ट्रीटी ऑफ लाहौर का टाइम अगर हम बात करें तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये 1846 में हुई। अब अगर हम बात करें मियां दीदू की, तो मियां दीदू जो है दोनों जो है रिबिलियन, एक रिबिलियन हुआ था उसके ये हेड थे मियां दीदू, ठीक है। और आखिरी हमारा जो बच जाता है दोस्तों दैट इज योर दारुल अमन, जो है दारुल अमन जो है दोस्तों ये महाराजा रणजीत देव ने शुरू किया था। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाउंडर कौन थे डोगरा डायनेस्टी के, दैट इज योर गुलाब सिंह, दारुल अमन, महाराजा रणजीत देव, और मियां दीदू एक रेबिलियन के हेड थे, और ट्रीटी अमृतसर आपकी 1846 में आई, तो सबको पता ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हु प्रोबेबली इन्वेंटेड डोगरी स्क्रिप्ट। देखिए डोगरी स्क्रिप्ट जो है दोस्तों ये किसने इन्वेंट की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा हमारा। तो इसके जो हमारे शक्तिकरण, देखिए शक्तिकरण ही वो हमारे रूलर थे जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट दोस्तों शुरू की थी। डिटेल में देख लेते हैं हम इसके बारे में कौन थे ये। तो शक्तिकरण देख दोस्तों, शक्तिकरण जो आज से 5000 साल पहले हुए हैं, ये रूलर हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू के स्पेशली, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए हैं ये दोस्तों। देख अब कम राजा शक्ति आप देख सकते हैं इनका, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशियंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन, इनमें से कौन जो है वो एक राजधानी नहीं है, वो बाकी सब राजधानी है लेकिन एक वो जो है इन चार ऑप्शन में से वो दोस्तों राजधानी नहीं होगी, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका मदर देश, जो मदर देश है दोस्तों वो कैपिटल नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो बाबू भी कैपिटल थी, देवनागरी भी कैपिटल थी, और आहिरा जो है ये भी कैपिटल से रही है। तो आज के लिए इतने ही हमारे 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। हमने जो है इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो वो डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए हम लोग जो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैटल ऑफ पेशावर वॉज फोर्ट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, जो हमारी बैटल ऑफ पेशावर है दोस्तों वो मोहम्मद गजनी और दूसरा कौन सा रूलर था जम्मू कश्मीर का जिसके बीच में दोस्तों लड़ी गई है। तो आप लोग जो अपना आंसर दे सकते हैं, तब तक मैं जो आंसर वो बता देता हूँ आपको दोस्तों। तो हमारे अवतार देव दोस्तों, अवतार देव जो है वो हमारे रूलर थे जिनके बीच बैटल ऑफ पेशावर दोस्तों लड़ी गई, अवतार देव और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई है दोस्तों आपकी बैटल ऑफ पेशावर। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बैटल ऑफ पेशावर जो है ये आपकी मोहम्मद गजनी और साथ साथ में आपका अवतार देव थे। अवतार देव जो है ये इन्होंने डिफीट कर दिया था मोहम्मद गजनी को विद कम्बाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बैटल रही है हमारी बैटल ऑफ पेशावर, अवतार देव और मोहम्मद गजनी के बीच में दोस्तों ये बैटल जो लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद गजनी विद कम्बाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ। अभी मैंने आपको बताया कि जम्मू चीफ हिल के कम्बाइंड फोर्सेज के साथ मोहम्मद गजनी को हराने वाले जम्मू के रूलर का नाम क्या था दोस्तों, वो थे हमारे अवतार देव। तो चलिए हम लोग जो इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं
विजय धर द सक्सेसर ऑफ सूरज देव एस्टेब्लिश्ड देव डायनेस्टी। देखिए देव डायनेस्टी जो आपकी 840 में दोस्तों बनी थी, बनाने वाले रूलर का नाम था दोस्तों आप सूरज देव, एक पावरफुल रूलर थे, एबल डायनेस्टी थी, 912 तक यहाँ पे रूल किया। आफ्टर सक्सेस ब्रिज देव जो है उन्होंने असेंड किया थ्रोन को, उसके बाद अवतार देव जो 982 में आते हैं, इन्होंने ही मोहम्मद गोरी को यहाँ पे हराया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपकी डायनेस्टी जो है 840 में दोस्तों बनकर तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तो देख लेते हैं हम लोग। एज पर द महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शैल्य हु रूल्ड जम्मू, जो किंग शैल्य थे दोस्तों महाभारत में उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जम्मू का रूलर कौन बनता है, कौन जो वो जम्मू कश्मीर में रूल करता है। दोस्तों आप लोग जो आंसर दे सकते हैं अपना, तो चलिए मैं आप लोगों को जो आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा भद्रुवर्धन, भद्रुवाहन जो है दोस्तों वो रूलर थे जिन्होंने शैल्य की डेथ के बाद जो है जम्मू कश्मीर में दोस्तों रूल किया है। तो चलिए हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग, तो कौन से वो किंग थे जिनसे सिटी ऑफ जम्मू ने दोस्तों अपना नाम लिया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो वो है हमारे जाम्बू लोचन। तो जाम्बू लोचन के बारे में आप लोगों को अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सिटी जम्मू जो है ये जाम्बू लोचन के नाम से दोस्तों ली गई, बहुत पावरफुल चीफ रहे हैं 19th century में। तो ये किंग थे जाम्बू लोचन, एक बार ये माना जाता है कि हंटिंग करने के तवी रिवर के किनारे जाते हैं, देखिए कि डीर और एक टाइगर जो है वो इकट्ठे यहाँ पे पानी दोस्तों पी रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है आगे चल के कि इसको बहुत ही अच्छी जगह मान लेते हैं कि बहुत अच्छी जगह, तो राजा जाम्बू लोचन वो डिसाइड करते हैं यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाऊंगा, ठीक है, जाम्बूपुरा इसका नाम रख देते हैं। राइट बैंक भी है ये तवी रिवर के किनारे पे, ठीक है, बाहूकोट आज भी हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग डोगरा रूल, जब यहाँ पे डोगरा रूल था तो तब यहाँ की समर कैपिटल कौन सी थी दोस्तों, तो समर कैपिटल थी दोस्तों यहाँ की श्रीनगर। तो श्रीनगर के बारे में आपको मैं अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि श्रीनगर जो है ये समर कैपिटल रही है जम्मू कश्मीर की डोगरा के टाइम पे, राजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने स्टार्ट किए थे ट्रेडिशन 1872 में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग फिर से अपने 5 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 11 बनता है। और क्वेश्चन है हमारा हु कैरीड लोकल रिवोल्ट्स इन जम्मू अगेंस्ट सिख रूल, तो सिख रूल के खिलाफ जो लोकल रिवोल्ट यहाँ पे कौन जो वो ऑर्गेनाइज कर रहा था जम्मू में, तो वो थे हमारे दोस्तों नन अदर देन वन दैट यूर मियाँ दीदू। दोस्तों मियाँ दीदू ही वो थे जिन्होंने यहाँ पे जो रिवोल्ट है वो चला रहे थे जम्मू में सिख रूल के खिलाफ। तो डिटेल में आप लोगों को मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल में कि जब खड़ग सिंह यहाँ पे रूल कर रहे थे जम्मू कश्मीर को, मैं आपको बता दूं कि मियां दीदू उस टाइम यहाँ पे सिखों के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे जम्मू में, ठीक है, बाद में गुलाब सिंह जो ही थे, गुलाब सिंह जी ने इस रिवोल्ट को पूरा क्रश किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग अब देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ किंग शाल ऑफ सियालकोट रूल्ड अवर जम्मू इन 1400 BC। तो आपने इन सारे स्टेटमेंट्स को देखना है और बाद में आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दोस्तों वो ट्रू है दोस्तों, ये आप लोगों ने सारी चीज़ें बतानी है। स्टेटमेंट आप लोग जो है वो एक एक करके पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल में आप लोगों को आंसर में बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि आंसर जो है इसका वो कौन सा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ओनली सेकंड जो है वो करेक्ट है दोस्तों। चलिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूं कि सेकंड में है क्या दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पे कि किंग जाम्बू लोचन जो है उन्होंने फाउंड की थी जम्मू सिटी जो तवी रिवर के किनारे, बस यही बात सच है, बाकी जो है ये भी गलत है और ओनली एंड ओनली सेकंड जो वो सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आप पहुंचे हैं दोस्तों। 13 आप देख सकते हैं आपके कुछ assertion है इसमें जो जिसमें आपने रीजन और बाद में हमने देखना है कि क्या ये इसको सही कर रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग जो इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या कि राज तरंगनी प्रेजेंट के लिए रिटर्न अकाउंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में, क्या ये सही आप लोगों ने बताना है। दूसरा ये बोल रहा है कि हिस्टोरियंस सीक लॉट ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर राजतरंगनी एज ए ईयर वाइज फैक्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छी, तो इसलिए हिस्टोरियन इसको एज अ सोर्स लेते हैं राजतरंगनी को। क्या इसमें दोनों सही हैं, तो क्या है इसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो आपको राइट यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों जो हैं वो बातें सही हैं और जो है बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जम्मू कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक एक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये भी असर्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलाब सिंह डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलाब सिंह ने ट्रीटी अमृतसर साइन की, इंडे से राबी तक जो है इनको मिल गया इस ट्रीटी के थ्रू, तो क्या इसमें सही है और क्या गलत है ये आप लोगों ने बताना है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में आंसर बता दूंगा बाद में, तो आप लोग जो वो अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों।
तो चलिए मैं आप लोगों को जो दोस्तों आंसर बता देता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कि इसका आंसर क्या दोस्तों रहने वाला है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोथ ई एंड आर करेक्ट है, लेकिन आर जो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ई एंड आर है क्या देख सकते हो, जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज हो तो वो तो गुलाब सिंह ने डेमोक्रेट की थी, और ये भी सही है कि गुलाब सिंह को ई टी टी अमृतसर की थोड़ी स्टडी मिली थी, लेकिन ये कोई इसको एक्सप्लेन सही तरह से नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं दोस्तों। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, देव डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन हुआ है दोस्तों हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैसे आपका जीत सिंह, तो आपके जो जीत सिंह है वो लास्ट रूलर हुए हैं दोस्तों देव डायनेस्टी के। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 1789 में क्या हुआ कि रूलिंग रूल तो जीत डायनेस्टी का वो खत्म होता है यहाँ पे, फाइनल एंड होता है, इसके बाद जो सिख रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना है। जम्मू कश्मीर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने 15 एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है कि विच रूलर रेन इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू, तो जम्मू की हिस्ट्री में कौन से रूलर के पीरियड को दोस्तों गोल्डन एज बोला गया, कि उसका इतना अच्छा रूल रहा है कि उसको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में गोल्डन एज बोला गया। तो आपके सामने है चार नाम, इनमें से आप लोग जो है वो अपना नाम बता सकते हैं कि कौन सा जो हो सकता है आप लोगों के हिसाब से। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें जो आपका रूलर है इंपॉर्टेंट वो है हमारे मलदेव। तो दोस्तों जो मलदेव हैं उनके रूलिंग पीरियड को बोला गया यहाँ पे गोल्डन एज। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मलदेव राजा जो हैं उन्होंने वोट किया लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ पीपल एस्टैब्लिश जम्मू एंड कश्मीर डोगरा कैपिटल, ठीक है। तो इनके टाइम को इसलिए बोला जाता है गोल्डन पीरियड, तो आपको पता चल गया कि गोल्डन पीरियड जो है किसके टाइम को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बोला गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि विच वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ जम्मू, जम्मू में सबसे ज़्यादा सबसे लॉन्ग रूल करने वाली डायनेस्टी दोस्तों कौन सी है जिन्हें सबसे ज़्यादा रूल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किया। आपके सामने चार डायनेस्टीज के नाम है, आप लोग सोच के अपना बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, वो है आपकी दोस्तों देव डायनेस्टी। देखिए देव डायनेस्टी जो है उसने सबसे ज़्यादा रूल किया है जम्मू कश्मीर में। तो चलिए हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि कब से कब तक इसने रूल किया है जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देव डायनेस्टी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रही है रूलिंग डायनेस्टी। इसने रूल किया दोस्तों 840 से लेकर के 1798 तक। देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबा रूलिंग पीरियड जो था इसको जम्मू में रहा है। तो ये सिर्फ मैं जम्मू की हिस्ट्री कश्मीर मत करिएगा, तो जम्मू की हिस्ट्री में सबसे लंबी रूलिंग डायनेस्टी को रही है, तो वो है हमारी देव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी मुस्लिम सेंट स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू, तो वो कौन से रूल थे जिसके टाइम पे यहाँ पे जम्मू में मुस्लिम सेंट का आना यहाँ पे दोस्तों शुरू हो गया। तो मुस्लिम सेंट जो आना शुरू हुए थे जम्मू में कौन से रूलर के टाइम पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी वो डायनेस्टी हो सकती है। तो आप लोग जो अपना आंसर डिसाइड करिए, तब तक मैं आपको दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। तो राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों धार डायनेस्टी। देखिए धार डायनेस्टी जो है दोस्तों इसके टाइम पे यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स का आना शुरू हुआ था, मुस्लिम सेंट्स का आना शुरू हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में इसको। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपकी धार रूलर्स हैं, देखिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पावरफुल एम्पायर 410 ईयर्स 840 में, ठीक है। तो मुस्लिम सेंट जो है वो पीर रोशन शाह वली जो यहाँ पर आए थे, पीर रोशन शाह वली जो है वो यहाँ पर आए थे कौन से डायनेस्टी के टाइम पे आए दोस्तों, वो धार डायनेस्टी के टाइम पे आए थे रोशन शाह वली, ठीक है। तो जम्मू में आए थे, तो इनकी श्राइन भी है दोस्तों गुमट में, देखिए जम्मू गुमट है, गुमट में जो है इनकी श्राइन भी है किसकी, मुस्लिम सेंट का नाम है पीर रोशन शाह वली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा जो क्वेश्चन है कि इन एशियन टाइम पीर पंचाल वाज नाउन एज, तो आज जिसको हम पीर पंचाल बोलते हैं दोस्तों पहले टाइम में इसको क्या बोला जाता था, एंशियन टाइम में इसका नाम क्या था दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका एंशियन टाइम में नाम होता है दोस्तों बनिहाल। तो दोस्तों बनिहाल जो है पीर पंचाल को बोला जाता था बनिहाल, आपको पता है कि आज भी जो है यहाँ पे बनिहाल टनल जो है वो पीर पंचाल रेंज में ही है दोस्तों। तो पीर पंचाल का एंशियन नाम जो है दोस्तों बनिहाल था। तो चलिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हु एस्टैब्लिश राय डायनेस्टी इन जम्मू, तो राय डायनेस्टी की शुरुआत दोस्तों किसने की है जम्मू में, ये आप लोगों ने बताना है यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लोग आगे चल रहे हैं, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लास्ट मैंने आपको 20 क्वेश्चन को दिया था सॉल्व करने के लिए, जो आप लोगों ने किया होगा उम्मीद है मुझे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि गुरु गोविंद सिंह विजिटेड जम्मू एंड रीजन ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर, देखिए कौन से रूल के टाइम पे जो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो जम्मू में आए थे। देखिए आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, आप लोग जो आंसर दे सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो वो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दैट यूर गजे सिंह। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गजे सिंह जो है इनके टाइम पे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो जम्मू में आए थे। चलिए डिटेल में हम लोग इसको देख लेते हैं, वैसे इतनी डिटेल है लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं
कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन विजिट किया था जम्मू में रीना गजी सिंह के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द पावरफुल सिख रूल इन जम्मू वाज एस्टैब्लिश बाय विच सिख रूलर। देखिए जम्मू में सिख रूल जो है वो कौन से रूलर ने दोस्तों शुरू किया है, ये आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शन हैं, आप लोगों ने अपना राइट आंसर चूज करना है, वो हम लोगों को बता देना है। तो मैं आपको बता दूँ राइट आंसर जो है वो हमारा रंजीत सिंह है दोस्तों। रंजीत सिंह ने ही यहाँ पे रूल शुरू किया था। चलिए हम लोग जिसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, मैं उनको बता दूं डिटेल में कि मॉडर्न पीरियड में बता दूं जम्मू की हिस्ट्री में देखा जाता है जब सिख और डोगरा रूल आया यहाँ पे, सिख रूल जो है जम्मू में वो एस्टैब्लिश किया था रंजीत सिंह ने, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हु एस्टैब्लिश डोगरा रूल इन जम्मू। जम्मू में डोगरा रूल किसने शुरू किया दोस्तों, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन होना नहीं चाहिए आप में कि डोगरा डायनेस्टी जो किसने शुरू की जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री में। तो वो हमारे नन अदर देन वन महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे डोगरा रूल की स्थापना की दोस्तों। डिटेल में देख लेते हैं हम लोग इसको दोस्तों। महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये शुरुआत की है यहाँ पे डोगरा डायनेस्टी की, ठीक है। डोगरा राजपूत रूल जो वो महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज कंकर्ड बाय रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह जो गुलाब सिंह के बाद आए उन्होंने कौन कौन सी टेरिटरीज यहाँ पे कंकर की थी, इन सब में से आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि उन्होंने जो है कंकर की थी जो वो आप देख सकते हैं कि गिलगित भी किया था उन्होंने, और गिलगित के साथ साथ में उन्होंने हुंजा नगर भी, ये दो जगहें जो हैं दोस्तों ये रंजीत सिंह ने की थी। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि गिलगित और साथ ही साथ आपके हुंजा नगर जो है ये रीजन जो कंकर किए थे दोस्तों डोगरा रूलर में महाराजा रणबीर सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गुलाब सिंह परचेस्ड विच प्लेस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846-75 लाख। देखिए 75 लाख की महाराजा गुलाब सिंह ने कौन सी जगह जो है इनमें से ब्रिटिशर से दोस्तों खरीदी थी, तो पैसे दिए थे उन्होंने 75 लाख रुपया, ट्रीटी की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो बताइए कौन सी वो जगह है इनमें से दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बता दिया होगा, वो है दोस्तों कश्मीर। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 15 मार्च 1846 को गुलाब सिंह ने साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, ब्रिटिश के साथ। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं गुलाब सिंह को एज महाराजा। देन दे एग्री हो जाते हैं कि हिली रीजन, आपको बता दूँ रावी इंडस से लेके वेस्ट में रावी तक, तो इसमें चंबा जो है ये गुलाब सिंह को मिल जाएगा। रिटर्न में गुलाब सिंह जो 75 लाख नानी शाह रुपीज़ में वो ब्रिटिश को देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ईस्ट ऑफ रिवर इंडस से वेस्ट ऑफ रिवर रावी तक जो सारा एरिया वेले कश्मीर को मिल चुकी है। देयरफॉर इसीलिए इस ट्रीटी को बोला जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे होंगे एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 25 एमसीक्यूज जो हम लोग कर चुके हैं आज, हमारा 26 एमसीक्यूज जो आज का हमारा रहेगा पहला एमसीक्यू। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज के, नेम द फाउंडर ऑफ धार डायनेस्टी। देखिए जो जम्मू कश्मीर की स्पेशल कश्मीर जम्मू की जो स्पेशल एक डायनेस्टी थी धार डायनेस्टी, उसको बनाने वाला कौन सा राजा है दोस्तों। चार ऑप्शन से आपके सामने, आप लोगों ने जो अपना राइट आंसर सोच लेना है। तो बाकी मैं आप लोगों को जो है इसका डिटेल में बता दूंगा इसका कि आंसर है क्या। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए हम लोग जो इसको देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर जो है। तो मैं बता दूँ इसका फाउंडर है दोस्तों सूरजधर। तो चलिए सूरजधर के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सूरजधर जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी ये डायनेस्टी 430 AD में, ठीक है, और यहाँ पे 55 ईयर्स तक जो है इन्होंने रूल किया था दोस्तों। चलिए हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा मार्टन सन टेंपल है दोस्तों वो कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए आज की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको मार्टन सन टेंपल दोस्तों मिल जाता है। मार्टन सन टेंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ ये ललित आदित्य ने बनाया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो वो हमारी अनंतनाग दोस्तों। अनंतनाग दोस्तों जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है आज की, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है मार्टन सन टेंपल। तो चलिए हम लोग जो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डिटेल की बात मैं करूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्टन सन टेंपल जो कि हिंदू टेंपल है जो आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, इसको कश्मीर में है ये आपको 8th सेंचुरी में बनाया गया था। सूर्य गार्ड सूर्य जो है दोस्तों उसको डेडिकेट है ये। और मैं आपको बता दूं सूर्य इज नोन एज द संस्कृत लैंग्वेज वर्ड। तो मार्टन जो है ये सूर्य को ही बोल जाता है संस्कृत वर्ड में, तो ये आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकली यूनाइट 3 रीजन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कौन से हमारे महाराजा थे जिन्होंने तीनों को मिलाया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हुए थे हमारे महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह जो पहले राजा हुए हमारे जम्मू के 1820 में इनको बनाया गया है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा गुलाब सिंह के बारे में कि गुलाब सिंह जी जो हैं इन्होंने डेमोक्रेट किया बाउंड्रीज प्रिंसेस स्टेट जम्मू कश्मीर की 1846 में पहली बार। श्रीनगर को इन्होंने समर कैपिटल बना दिया था और जम्मू को इन्होंने विंटर कैपिटल बनाया जो अभी तक चल रहा है दोस्तों। और गुलाब सिंह ने डिवाइड किया था 3 जोन में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों की हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों, हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कैनाल। देखिए जो आपकी रणबीर कैनाल है दोस्तों
और प्रताप कनाल है यूटी में जम्मू कश्मीर में, ये किसने बनवाई है दोस्तों? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपके पास चार महाराजा का नाम है तीन के, तो आपने बताना है कि कौन से महाराजा ने इसको बनाया। तो मैं आपको बता दूं इसको बनाने वाले महाराजा महाराजा प्रताप सिंह। तो चलिए हम प्रताप सिंह जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जी ने रणबीर का नाम जो प्रताप के नाम बनाई। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चनाब रिवर है दोस्तों, इसमें से निकली है ये। आपकी जो लेफ्ट साइड से ये आपकी रणबीर कनाल है, और आपकी जो राइट साइड में ये आपकी प्रताप कनाल है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है दोस्तों कि राइट वाली कौन सी और लेफ्ट वाली कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पहले महाराजा कौन हुए हैं, इनमें से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले महाराजा जो हमारे हुए हैं महाराजा गुलाब सिंह जी, इनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मार्च 1846 को क्या हुआ कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने ट्रीटी अमृतसर साइन करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है कंपनी को रिकॉग्नाइज करती है गुलाब सिंह जी को एज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन जो वो कंप्लीट होते हैं। आज हमारे टोटल क्वेश्चन हमने 5 डिस्कस किए, पूरे हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। देखिए और ये 30 क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो जो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये 5 क्वेश्चन भी हमारे जो आज के खत्म होते हैं दोस्तों।